सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। अभी हमने यजुर्वेद का यज्ञ किया, चारों वेदों की परंपरा में यजुर्वेद एक वेद है और यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। 1974 इसमें मंत्र हैं और पहला मंत्र जब हम यज्ञ करते हैं तो अक्सर उसमें पढ़ते हैं, ईशोय तोर्जी त्वावायवस्थ देवो वह सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा प्यायत्वम् अग्ने इन्द्राय भागम् प्रजापति नमेव मावस्तेन ईशत। तो हमने अपने संगठन का भी एक ध्येय मंत्र चुना हुआ है, वो इसी यजुर्वेद के पहले अध्याय का पहले मंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, मा वह स्तेन ईशत। मा माने नहीं, संस्कृत में मा शब्द का कई अर्थों में प्रयोग होता है, एक अर्थ होता है इसका नहीं, मा नहीं वह हम पर, स्तेन चोर ईशत राज्य करे, मा वह स्तेन ईशत माघ संसर और उनके प्रशंसक, चोर और उनके प्रशंसक, उनके साथी, उनके अनुगामी, उनके सहगामी, उनके सहयोगी, वो हम पर राज्य नहीं करें। अर्थात चारों ओर सत्य का साम्राज्य होना चाहिए, भगवान का साम्राज्य होना चाहिए। और इसी यजुर्वेद का जो अंतिम अध्याय है उसको ही ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथः मा गृधः कस्य सिद्धनम्। पूरे विश्व के लोग इस आध्यात्मिक सत्य को एक स्वर से स्वीकार करते हैं और यह वैज्ञानिक सत्य है, यह शाश्वत सत्य है, यह नित्य सत्य है। ईशावास्यमिदं सर्वं, ये जगत उस भगवान के ऐश्वर्य से भरा हुआ है। ईश शब्द का अर्थ ही ऐश्वर्य होता है, भगवान के ऐश्वर्य से जगत भरा हुआ है। सूर्य में कितना ऐश्वर्य, अक्षय ऊर्जा का वो स्रोत है, चंद्रमा में कितना ऐश्वर्य है, इस पूरे ब्रह्मांड में जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, जिस सौरमंडल में हम रह रहे हैं, ये कितना विराट है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए वेदों में कहा पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी, भगवान के एक पैर में सृष्टि है। जिस सौरमंडल में हम रहते हैं ये तो इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, रात को जब हम आ करके देखते हैं तो जो अनगिनत तारे हमें दिखाई देते हैं ये तारे नहीं है, ये सब क्या है, मूलतः सूर्य है, इसमें नक्षत्र है, ये एक एक सूर्य है। और कितने बड़े हैं ये तारे, इसमें कुछ तो सूरज से भी बड़े हैं। और जिस सौरमंडल में हम रहते हैं ऐसे सौरमंडल और कितने होंगे, जैसे अभी और ग्रहों की खोज की बात की जा रही है, लेकिन 9 ग्रह 32 उपग्रह जो हम पढ़ते थे बचपन से, वेदों में भी वही सत्य है और विज्ञान भी उससे कहीं आगे नहीं पहुंच पाया। सत्य तो सत्य होता है, उसमें जितना जिसको जान ज्ञान होता उतना जान पाता और उसका उपयोग कर पाता है। तो ये तो एक सौर मंडल है, कुछ कहते हैं ऐसे 2000, कुछ कहते हैं ऐसे 2500, कुछ कहते हैं ऐसे 5000 सौर मंडल और होंगे, माने
जिस धरती पर हम रह रहे हैं ऐसी धरती भी और भी हो सकती है, और वहां जीव है कि नहीं, इस दिशा में सबकी अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। हम तो जो हमारे आसपास का जगत है उसी के बारे में नहीं जानते। ऐसे हजारों सौर मंडल हम कह सकते हैं। अब हम इसको असीम कहें या अनंत कहें तो शायद शाब्दिक दृष्टि से वो उचित नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है कि ये सारा जो जगत है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। अभी इस सौरमंडल के रहस्यों को बात छोड़िए, धरती के रहस्यों का नहीं पता लग पाया। ये धरती कैसे बनी इसके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, सूर्य का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं, इस एक सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं। इसके बारे में आपने सोचा होगा, अभी भी शोध चल रहा है ब्लैक होल्स क्या है और ये सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी प्रलय कैसे होगी, ये सृष्टि कैसे चल रही है। वेदों में सब कुछ लिखा है, सृष्टि विज्ञान, तमह आसी तमसा गूढ़ अग्रे प्रकृतम सलिलम सर्वमा इदम, बहुत कुछ है वेदों में। खैर मैं बात ही कर रहा था, ये जो यजुर्वेद है इसका पहला मंत्र है ईशोत्तोर्जित्वा वायवस्थ देवो सविता, और उसमें हमने अपने संगठन का जो ध्येय मंत्र है वो लिया मा वस्ते न ईशता। जो हम काम कर रहे हैं वो वेदों के अनुकूल काम है, वह विवेकपूर्ण काम है, वो ऋषि परंपरा के अनुकूल काम है, वो भगवत आज्ञा के अनुकूल काम है। इस धरती पर शैतान का साम्राज्य नहीं, इस धरती पर भगवान का साम्राज्य होना चाहिए। राम राज्य को भी आदर्श माना जाता है, इसलिए कुछ लोग राम राज्य की बात करते, लेकिन उसमें फिर कुछ लोगों को आपत्तियां हो जाती हैं। वो कहते हैं कि उसमें कहीं कोई सांप्रदायिकता तो नहीं आ जाएगी, बहुत तरह की बातें फिर करने लग जाते हैं। लेकिन हमारा एक विशुद्ध रूप से मानना है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम इसको मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम इसको ईसाई राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम कोई ना पाकिस्तान नया खालिस्तान नहीं बनाना चाहते, हम भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और भारत से इस आध्यात्मिकता का प्रथम भी उदय हुआ और भारत के उदय से एक नए विश्व का उदय होगा। इसलिए हम अपने ध्येय वाक्य में आमजनों को जो समझ में आए उसको कहते हैं कि हम चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण से युग निर्माण और उससे फिर भारत उदय और एक विश्व उदय की कल्पना के साथ वसुधैव कुटुंबकम के भाव को हृदय में संजो के आगे बढ़ रहे हैं। मैं बात ये कह रहा था कि हम आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक भारत के निर्माण के साथ एक आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करना चाहते हैं, और वेद का भी यही उद्घोष है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत, भगवान के ऐश्वर्य से सारा जगत भरा हुआ है, उसी की सत्ता, उसी की शक्ति, उसी की ज्योति चारों ओर प्रकट हो रही है। और इस जगत को ट्रस्टी भाव से जियो। देखो, एक है पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, एक है समाजवाद, जो पूर्व है जिसको हम चीन कहते हैं, रूस कहते हैं, जापान कहते हैं। हम भारतीय समझते हैं कि सबसे पहले सूर्य हमारे यहां उदय होता है, लेकिन हमसे भी आगे पूर्व है। सबसे पहले सूर्य उदय वो चीन में होता है, जापान में होता है, उधर से होकर के आता है सूर्य। तो पूर्व में जो लोग हैं, अब वक्त के साथ संस्कृतियां, मान्यताएं, सभ्यताएं, ये सब बदलती रहती हैं, ये डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ये सब संस्कृति, सभ्यता, मान्यता, किसी भी समाज के अंदर व्यवस्था, ये सब युग के साथ बदलती रहती हैं। तो पूर्व जो है वो मानता है समाजवाद को, उसको बोलते हैं कम्युनिज्म, और पश्चिम मानता है पूंजीवाद को। पूर्व मानता है कि सबके के पास में एक जैसी शक्ति, एक जैसी संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन उसमें फिर जो है पुरुषार्थ और ज्ञान का पूर्ण सम्मान नहीं हो पाता,
आप सम भाव तो रख सकते हो, सम व्यवहार नहीं कर सकते, इसलिए वो उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। लेकिन वो समाजवाद को मानते, पश्चिम मानता है पूंजीवाद को और उपभोक्तावाद को। वो कहते हैं खूब खाओ खूब कमाओ, और फिर तो उससे भी आगे पहुंच जाते हैं, बहुत बुरा हाल है। पूंजीवाद ध्वस्त हो रहा है, समाजवाद भी ध्वस्त हो रहा है, तथा कथित जो माओवाद लेनिनवाद मार्क्सवाद। अब भारत की मान्यता विशुद्ध रूप से क्या है? हम समन्वयवादी सोच के लोग हैं, इसलिए इसी ईशोपनिषद में यजुर्वेद के 40वें अध्याय में आगे कहा, विद्याम च विद्याम च यस्तद् वेदो भयंसा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम अस्मति संभूतिम च विनाशम च यस्तद् वेदो भयंसा विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्या अमृतम अस्मति। कुछ लोग कहते हैं कि जो है ये पूंजीवाद श्रेष्ठ है, भौतिकवाद श्रेष्ठ है, समाजवाद श्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं केवल अध्यात्मवाद ही श्रेष्ठ है। तो इसकी पूरी आलोचना की, उसकी विषय में जो है वेदों में पूरी प्रामाणिकता के साथ बात की गई, कि कुछ लोग कहते हैं कि केवल जो है बस ये जो अध्यात्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, ये सर्वश्रेष्ठ है ये माना, लेकिन इसमें समन्वय रखो, शरीर और आत्मा दोनों से ये जैसे पिंड चलता है, ऐसे ही ब्रह्मांड में भी एक ब्रह्म है एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड उस ब्रह्म का शरीर है और उसकी आत्मा जो है वो ब्रह्म है। तो ऐसे ही हमारे भीतर भी दो सत्य हैं, ये शरीर है इसके भीतर रहने वाली आत्मा, तो दोनों को पूरा आदर दो। तो कुछ कहते हैं अन्य देवा हो विद्या या अन्य दा हो अविद्या, कुछ कहते हैं इसको हम भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या कह सकते, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद कह सकते, कुछ कहते हैं कि अध्यात्मवाद ही श्रेष्ठ है, कुछ कहते हैं भौतिकवाद ही श्रेष्ठ है। तो बहुत से प्रश्न पैदा हो जाते मन में। तो फिर ऋषि कहते हैं देखो केवल एक की बात करोगे तो गलत हो जाएगा। वो कहते हैं कि अंधंतमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, वो गहरे अंधेरे में जाते हैं, दुख पाते हैं जो केवल भौतिकवाद की उपासना करते हैं, पूंजी की उपासना करते हैं, केवल भोग में लगे रहते हैं। और कहा उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में वो जाते हैं जो केवल अध्यात्मवाद की बात करते हैं। ततो भूय एव तेतमो यो विद्यायां रता, ये विद्या और अविद्या इसी को जो है दूसरे शब्दांतर से परा अपरा विद्या कहा जाता है। इस बार रामनवमी पर साप्ताहिक सत्संग में हम इसी परा अपरा विद्या के बारे में संवाद करेंगे, 7 दिनों तक जो सत्संग चलता है अपना रामनवमी पर। हर बार पिछले करीब 7 वर्षों से यह अखंड प्रवाह चल रहा है और पूरा देश नहीं पूरी दुनिया के लोग सुनते हैं जब पतंजलि योगपीठ से रामनवमी को विशेष संवाद होता है। पिछली बार पूज्य मुरारी बापू जी भी आए और उन्होंने भी मानस योग सूत्रों में कि महर्षि पतंजलि और मानस ये अलग अलग नहीं है, सब शास्त्र एक ही सत्य की ओर इंगित करते हैं, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उस संवाद को आगे बढ़ाया। और इस बार रामनवमी पर हम इस ब्रह्म विद्या की चर्चा करेंगे, क्या है ब्रह्म विद्या, जिसको सबसे श्रेष्ठ विद्या माना है। मैं बात नहीं कर रहा था, भारत ने हमेशा वैज्ञानिक सोच की बात की है, सार्वभौमिक सोच की बात की है, यथार्थवादी रहे हैं हम लोग। इसी का जो अंतिम मंत्र है, ये भ्रम क्यों पैदा होता है? तो ये यजुर्वेद यज्ञ जो हम कर रहे हैं इस बार रामनवमी के उपलक्ष्य में, नवरात्रों के दौरान, हम हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, भारत का जो धर्म ग्रंथ है, किसी कोई भी जो देश है, कोई भी संस्कृति है, कोई भी समाज है, कोई भी सभ्यता है, उसके कोई आधारभूत कुछ सत्य होते हैं। जैसे इस्लाम का जो आधारभूत ग्रंथ है वो क्या है? इस्लाम का आधारभूत ग्रंथ है कुरान। और जो ईसाई संप्रदाय है, मत है, पंथ है, उसका जो आधारभूत जो ग्रंथ है
वो बाइबल। तो भारत का जो आधारभूत जो ज्ञान है, ग्रंथ है, वो क्या है? वेद है। उन वेदों के बारे में हमको पता होना चाहिए। और इस वेदों में जो यजुर्वेद है उसका अंतिम मंत्र है। फिर ये भ्रम क्यों हो रहा है जगत के अंदर? ये दुनिया फिर उलझ क्यों रही है? तो कहा हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितं मुखम्। भगवान ने इस जगत को ना इतना सुंदर बना दिया दरअसल, तो हम ऊपर ऊपर ही उलझ के रह जाते हैं। ये प्रकृति तो परमेश्वर ने अपनी ओर बुलाने के लिए बनाई थी, भुलाने के लिए नहीं। भगवान ने सुंदर स्त्री और सुंदर पुरुष को रच दिया, दोनों एक दूसरे में फंस गए, जिसने रचा था उसको भूल गए। वैज्ञानिक जो है वो पदार्थों में उलझ करके रह गए, वो भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। तो ये उलझन कहां से हुई? सत्यः कामा अनृता पिधाना, सत्य के ऊपर एक ऐसा ये आवरण लगा, हम शरीर शरीर तक सीमित रह गए। जैसे शरीर के भीतर आत्मा रहता है, उसकी कहां कौन पूछ करता है? हमारी हालत ऐसी हो रखी है जैसे एक राहगीर घोड़े पर बैठ करके चला जा रहा था। सांझ हुई तो एक गांव पड़ा, गांव वालों ने कहा भाई यहीं रुक जाओ। वो घोड़े से उतरा और घोड़ा एक खूंटे से बांध दिया, वो खुद जाकर कमरे में बैठ गया। जिस आदमी ने उसको रोका था उसने वो घोड़ा देखा, बड़ा सुंदर था। उस घोड़े को खूब घास दाना खिलाया, खूब पानी पिलाया और उसको देखता रहा, खूब सेवा करता रहा। अगले दिन सुबह हुई तो फिर उसको याद आया, अरे ये तो घोड़े पर एक आदमी भी तो था, मैं तो उसको भूल ही गया। दरअसल उस आदमी ने भांग खा रखी। तो भांग खाने वाला जिस काम को एक बार करे उसी को बार बार करता है, हंसे तो बार बार हंसता है, जो काम करे उसको खाता है तो खाता ही रहता है, बोलता है तो बोलता ही रहता है। तो उस आदमी ने भांग खा रखी थी तो घोड़ा याद रह गया और घोड़े पर जो सवार था उसका मालिक उसको भूल गया। उसको कमरे में बंद कर दिया, ना उसको पानी पूछा ना खाना पूछा। वो तड़फता रहा बेचारा रात भर। सुबह उठा तो बोले भाई साहब माफ करना, मैंने भांग खा रखी थी, मेरा घोड़ा तो देखा तुझे नहीं देखा। हम हंसते हैं कि देखो कितना बेवकूफ था, उसने घोड़ा तो दिखाई दिया और मालिक को भूल गया। हम भी तो यही हालत कर रखी है, हमारा घोड़ा घोड़ा याद है, मालिक भीतर ऐसे भूखा प्यासा बैठा। इस घोड़े को खूब खुरेरा करते हैं, स्क्रबर लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, इस घोड़े को घास खिलाते हैं, जो भी हम मतलब दाल रोटी सब्जी घी दूध मेवी मिष्ठान सब खिलाते हैं। जो भीतर आत्मा है उसकी कोई पूछ ही नहीं कि भीतर भी और कोई बैठा है इसमें। तो सच्चे मालिक को भूल गए और घोड़े की सेवा किए जा रहे हैं। तो हमने भी भांग खा रखी है, अब ये भांग का नशा उतरने दो एक बार और सही सही रूप में देखो। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमे हो तो बुद्धिम तो सारथम विद्धि मन प्रग्रह में हो इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्ते सुगोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनुष्यण। तो ये जो गड़बड़ हो रखी है, तो ये भूल कहां से हो जाती? ऊपर ऊपर से देखते हैं तो ब्रह्म हो जाता है, भीतर देखते हैं तो ब्रह्म दिखाई देता है, ऊपर ऊपर से देखते हैं तो शरीर दिखाई देता है, इसके भीतर जो देखते हैं तब आत्मा का बोध होता है। तो यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितं मुखम्। तत्त्वं पूषन् अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टये योऽसौ आदित्य पुरुषः सोऽसावहम् ओम खं ब्रह्म। भीतर से देख, ऊपर ऊपर से मत देख, सब में ब्रह्म ही है। सारा ही ये ब्रह्म का ही विस्तार है, ये ब्रह्मांड भी ब्रह्म का ही विस्तार है। इसी को उपनिषदों में शब्दांतर से कहा ये ब्रह्म विद्या है, इसको पराविद्या भी कहते हैं। तो उपनिषदों में एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, और मुंडकोपनिषद का जो प्रथम खंड है उसका प्रथम मंत्र है ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूवः विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता सा ब्रह्म विद्यम सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह। ब्रह्मा सब देवताओं में प्रथम उत्पन्न हुआ इस ब्रह्मांड में, और वहां बहुत विद्वान था, महाविद्वान था।
पूरी विश्व की रचना में उस ब्रह्मा का, हम कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, हम बोलते हैं ब्रह्मा वह विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गुप्ता, वह विश्व का रचयिता और त्रिभुवन का वह रक्षक, उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को जो है ये ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, जिसको हम पराविद्या कहते हैं। अथर्वणे यम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम प्रोवाच अंगिरसे ब्रह्म विद्या। ब्रह्मा ने किसको दिया? अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को। अथर्वा ने इस ब्रह्म विद्या को दिया। अथर्वणे यम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम प्रोवाच अंगीर अंगीर ब्रह्म अंगीरा को दिया। अथर्वा ने किसको दिया? अंगीरा को। स भरद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भरद्वाज अंगिरसे परावराम। और उस अंगिरा ने, अंगी ने उस विद्या को आगे सत्यवाह को कहा, भरद्वाज के पुत्र सत्यवाह को। और सत्यवाह ने फिर उस विद्या को फिर आगे कहा जो है अंगिरा को। और अंगिरा ने फिर इस विद्या को आगे किससे कहा, उसका फिर प्रसंग आता है। शौन को हम वही महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्ना प्रपच्छ कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। जो शौनक नाम का एक बहुत महान गृहस्थ हुआ, जिनके जिसके पास बहुत ऐश्वर्य था, बहुत बड़ा साम्राज्य था, तो शौनक नाम का वो प्रसिद्ध महागृहस्थ अंगिरा के पास गया। विधिवत उपसन्ना पप्रच्छा, उसने पूछा कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। सबकी भी मन की जिज्ञासा, ये तो जो है शौनक और अंगिरा को तो माध्यम बनाया है ऋषियों ने इस ब्रह्म विद्या को, कि रहस्य को हम तक पहुंचाने के लिए। किसकी जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है? सारी दुनिया तो ज्ञान से ही चल रही है, ये साइंस, ये टेक्नोलॉजी, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारा मीडिया, ये सब कुछ तो आज विज्ञान से ही चल रहा है। हमारा जीवन भी पूरी तरह से विज्ञान पर चल रहा है। हम बोल रहे हैं तो ये शब्द विज्ञान है जिससे बोल रहे हैं, ये पदार्थ विज्ञान है, ये माइक, ये सुनना, ये भी अपने आप में एक विज्ञान है, क्योंकि वो शब्द का ज्ञान हमें नहीं होगा तो हम जैसे अब जो हिंदी जानने वाले उनके सामने कोई तमिल तेलुगु कन्नड़ बोले तो कुछ समझ में आएगा, अब वणक्कम भी बोले तो आपको नहीं पता लगेगा इसका मतलब क्या। अब हम नमस्ते बोले तो समझते हैं लेकिन वणक्कम नहीं समझते हैं। तो एक छोटी सी बात मैंने कही कि ये सब कुछ ज्ञान और विज्ञान के बिना कुछ भी नहीं है। तो एक प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न है कि किसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है। कस्मुन्न भोगो विज्ञाति सर्वम इदम विज्ञातम भवति इति। तो अंगिरा ने कहा तस्मै होवाच देह विद्ये वेदित वे इतिहास्मा ब्रह्मविदाः वदन्ति पराच अपराच। कि दो विद्याओं को जानना चाहिए उससे सब कुछ जान लिया जाता है, इसी को नाम दिया परा अपरा विद्या। तो मैं कल प्रभात में बैठा हुआ था तो एक मन में विचार आया कि इस बार ये परा अपरा विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्मांड की विद्या, हम इसको ये कहें तो ये जीवन विद्या, ये सबको पता होना चाहिए। और इसीलिए इस बार जो बैकड्रॉप बनाया वो ऐसा ही हमने डिजाइन किया। ये जीवन दर्शन क्या है, ये जीवन संजीवनी, औषधियों के बारे में तो हमने बहुत सुना है, ये जीवन की संजीवनी क्या है कि जिससे फिर आदमी अमर हो जाए, जिसको पी करके, जिसको खा करके, है ना। शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय है प्यारे, आओ प्रभु गुण गाओ रे यही समय उदय हुआ ओम नम का भानो, उदय हुआ ओम नम का भानो, आव दर्शन पाव रे यही समय
है प्यारे आओ दर्शन पाओ रे यही छल कपट और झूठ को त्यागो छल कपट और झूठ को त्यागो सत्य में चेतन गावो रे यही समय प्यारे सत्य में प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति प्रभु की भक्ति मुक्ति दृढ़ विश्वास जमावो रे यही समय प्यारे दृढ़ विश्वास जमावो रे यही समय प्यारे शरण प्रभु की आवो रे यही समय प्यारे शरण प्रभु की अमृत झरना झरता है इससे अमृत झरना झरता है इससे पी के अमर हो जाओ रे यही समय प्यारे पी के अमर हो जाओ रे यही समय है प्यारे शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे शरण प्रभु की आओ रे यही समय है प्यारे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। हम बचपन से जब हवन करते थे तब हवन के बाद ऐसा ये प्रार्थना गाया करते थे, अमृत झरना झरता है इससे पी के अमर हो जाओ, उदय हुआ ओम नाम का भानु आओ दर्शन पाओ, प्रभु की भक्ति बिन नहीं मुक्ति दृढ़ विश्वास मांगो। ये ब्रह्म विद्या, ये पराविद्या, ये अपराविद्या क्या है? जिसके जानने पर सब कुछ जान लिया जाता है, जिसके पाने पर सब कुछ पा लिया जाता है, जिससे जीवन में हम पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। अब सोचो कि अब सदा तृप्त रहे, सदा शांत रहे, भीतर से एकदम जब हमें जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता मिलती है, बहुत बड़ा कोई यश मिलता है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मिलती है, तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर बाद में गम में बदल जाती है। जग में खुशियां हैं कम और ज्यादा है कम, जहां देखो वहीं है भरम ही भरम, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, कभी वैराग है कभी अनुराग है, जहां बदलते हैं माली वहीं बाग है। जीवन में सबको पूर्ण तृप्ति चाहिए, पूर्ण शांति चाहिए, सुख तो चाहिए लेकिन वो शाश्वत सुख चाहिए, कभी नहीं टूटने वाला, कभी नहीं छूटने वाला सुख चाहिए। ऐसी तृप्ति चाहिए कि बस हम वहां पूर्ण तृप्त हो जाए, फिर ऐसा ना लगे कि बस ये नहीं मिला वो नहीं मिला। ये इस विद्या की बात उपनिषद करते हैं, इस ज्ञान की बात उपनिषद करते हैं। तो उपनिषदों में फिर कहा कि ये दो विद्याएं हैं, एक पराविद्या एक अपराविद्या। तथा अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेदो अथर्वेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषमिति, अथ परा यया तप अक्षरम अधिगम्यते। एक ब्रह्मांड की विद्या है और इस ब्रह्मांड की विद्या में परमाणु से परमेश्वर पर्यंत जो जानना है, ये सारा ही पदार्थ का ज्ञान हो या परमेश्वर का ज्ञान हो, ज्ञान सारा ये अपरा विद्या कहलाता है, सब प्रकार का ज्ञान। और इस ज्ञान के पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति काम कर रही है, माने परमाणु से लेकर के परमेश्वर पर्यंत जो हम जानते हैं सब कुछ, इस ज्ञान के पीछे एक सत्य है, मूर्त के पीछे एक अमूर्त है, ब्रह्मांड के पीछे एक ब्रह्म है।
आकार के पीछे एक निराकार है, स्थूल के पीछे एक सूक्ष्म है, दृश्य के पीछे एक अदृश्य है, ज्ञात के पीछे एक अज्ञात है। उसको अनुभव करना 24 घंटा, इसको बोला जाता है पराविद्या। कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं कि जो ईश्वर का ज्ञान है वो पराविद्या है और जगत का जो ज्ञान है वो अपराविद्या। ऐसा नहीं, थोड़ा और इसको आगे समझने की कोशिश करें। सनत कुमार का प्रसंग बहुतों ने सुना होगा, अधि भगव इति हु उपससाद सनत कुमारम नारद संघ उवाच यद वित्थ तेन नोपसीदत ततस्त ऊर्ध्वम वक्ष्यामि इति सह उवाच। ऐसा हुआ, नारद जी महर्षि सनत कुमार के पास गए और सनत कुमार के पास जाकर के उन्होंने कहा कि भगवान मुझे उपदेश दो। तो बोले भाई मैं उपदेश तो वहां से दूंगा जहां जितना तुम जानते हो उतना बताओ, तो उससे आगे का एडवांस नॉलेज फिर मैं देता हूं, जो पहले जान चुके हो उसको कहने से कोई लाभ नहीं है। तो फिर नारद बोलता है, ऋग्वेदम भगवो अध्यमी यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम इतिहासम पुराणम पंचमं वेदानां वेदं पित्रं राश्यं दैवं निधिं वाको वाक्यं ऐकायनं देव विद्यां ब्रह्म विद्यां भूत विद्यां क्षत्र विद्यां रक्षत्र विद्यां सर्प देव जन विद्यां एतद् भगवो अध्येमि। अब नारद जी कितना जानते हैं सुन लो। नारद जी कहते हैं मैंने ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद चौथा अथर्ववेद ये सब मुझे याद है, ये सब मैंने पढ़ा है, इसके सिवा इतिहास पुराण रूप पांचवा वेद, इतिहास को पांचवा वेद कहते हैं, वेदों का वेद व्याकरण, व्याकरण से सब वेद समझ में आते हैं इसलिए उसको वेदों का वेद कहा जाता है, और फिर श्राद्ध कल्प गणित फिर उत्पाद शास्त्र फिर ये निधि शास्त्र तर्क शास्त्र फिर नीति देव विद्या ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या, वो ब्रह्म विद्या भी जानता है इसलिए मैंने बोला था पहले, ये ब्रह्म विद्या माने ब्रह्मांड का ज्ञान, ये सारा उसको आता था, ब्रह्म विद्या भूत विद्या क्षत्र विद्या नक्षत्र विद्या सर्प विद्या देवजन विद्या नृत्य संगीत सब कुछ मैं जानता हूं। फिर क्या क्या करने गए फिर है? तो बोले भगवान मैं जानता तो हूं, सोहम भगवो मंत्र विदेव अस्मि ना आत्मविधि, ये सब कुछ जान करके भी मैंने ये मंत्रों का मुझे पता है उसकी व्याख्या मुझसे करवा लो। मैं जो है मोबाइल कंप्यूटर से लेकर के और जो है परमाणु बम तक सब कुछ बना सकता हूं, ये सब विद्याओं का मुझे पता है और जानता भी हूं, व्याख्याएं करवा लो तर्क कितना ही करवा लो, सारी ब्रह्मांड की सारी विद्याएं आ गई जो अभी कहा गया उसमें। तो बोले सब कुछ जान करके भी मैं आत्मविद नहीं हूं, मंत्रविद एव अस्मि न आत्मविद, श्रुतम एव मे भगवत दृश्यभ्य तरति शोकम आत्मविद। मैंने आप जैसे बड़ों से बुजुर्गों से आत्मविद्ता आत्मज्ञानी महापुरुषों से सुना है, शोकम तरति आत्मविद, तरति शोकम आत्मविद, जो आत्मविद होता है वही शोक से पार जाता है, नहीं तो मैंने कहा ना कभी खुशी कभी गम। भगवा सोचामि, इसलिए मैं शोक में पड़ा हुआ तम माम भगवो शोकस्य पारम तारयतु, इसलिए भगवान मुझे शोक के पार ले जाओ। तंग वाचा यद्वै किंचत एतत् अध्यगिष्ट नाम एव एतत्, तुमने जो पढ़ा है ना नारद ये सब नाम है, तो फिर क्या करना है, नाम वार ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व इतिहास पुराण ये सब कुछ ये जितनी विद्याएं हैं ये सब नाम है, तो इससे आगे ब्रह्म है, ये ब्रह्म विद्या ये अराविद्या। अब इतने वेद इतने शास्त्र और इतना ज्ञान, इसमें उलझन पैदा हो जाती है, तो जीवन समझ में नहीं आता क्या है। देखो जब हम सबसे पहले पढ़ाई करते हैं तो हमारे सामने ये उलझन होती है कि
हम पढ़ें क्या? और पढ़ने के बाद में फिर कैरियर की चिंता होने लगती है। पहले तो जीवन ही समझ में नहीं आता। थोड़ा गंभीरता से विचार करें, मैं ऐसा मानता हूं जो बाकी उलझने हैं वो हमारी 1% है, 99% तो हम खुद से उलझे रहते हैं। इसलिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने व्यवस्था दी कि सब जीवन को ठीक से समझो, उसके लिए एक समर्थ गुरु की खोज करो। परीक्ष लोकान कर्म चितान ब्राह्मणो निर्वेद आयात नास्तकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छित समित वाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। इसलिए जीवन में एक समर्थ गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारा ठीक से मार्गदर्शन करे, जिसको जवानी में ज्ञान हो जाए तो उससे तो महान कोई हो ही नहीं सकता, नहीं तो बाद में ठोकरें भी सिखाती। ठोकर खा करके जितना आदमी समझता है, ज्ञान के तो बहुत स्रोत है, पुस्तकों से हम पढ़ते हैं, गुरुमुख से सुनते हैं, अपने भीतर भी कुछ कुछ उतरता रहता है अपने आप जब हम पूर्ण मौन होते हैं। सबसे बड़ा अनुभव का ज्ञान होता है। और इसमें फिर हमारे शास्त्रों ने व्यवस्था दी कि जब 50-60 साल के आसपास की उम्र हो जाए तो फिर वानप्रस्थी बन जाए, फिर तप करो, फिर खोज करो जीवन के अंतिम सत्य की। इसलिए ये वानप्रस्थ आश्रम बनाया गया है, ये रहने के लिए नहीं, रहने के लिए तो घर अच्छा है, गृहस्थ अच्छा है, ये वानप्रस्थ क्यों है? वानप्रस्थ आप लोगों को तो थोड़ा सा तप कराते हैं, हमने तो यहां वानप्रस्थ आश्रम में भी एसी लगा दिए, लेकिन ये शायद ठीक नहीं है, आप लोग एसी का प्रयोग मत करना। मैं खुद भी नहीं करता, कमरे में एसी लगा दिया ठीक है, किसी का शरीर इतना अनुकूल नहीं है तो धीरे धीरे बनाओ। पहले वानप्रस्थ बनते थे ना तो 12 साल तक पेड़ के नीचे रहते थे। हाँ, ये वानप्रस्थ बनने की विधि है, 12 वर्ष तक पेड़ के नीचे। तुम पेड़ के नीचे नहीं, यज्ञशाला के नीचे रुक जाना 12 साल। फिर उससे तप होता था, शारीरिक तप, मानसिक तप, आध्यात्मिक तप, कई तरह के तप होते थे। खैर, तो जीवन का अंतिम सत्य हमें विदित हो जाए। अब ये इतना बड़ा ये जो सत्य है शास्त्रों का, ये सब समझ में नहीं आता। मैंने कहा ना, पिंड और ब्रह्मांड को देखते हैं ना तो हिरणमयी न पात्रे न सत्यस्यापि हितमुखम्। बाहर का देख करके फिर भीतर जा ही नहीं पाते, वहीं ठहर जाते। हाल हमारा ऐसा हो गया, मैं पहले बहुत उदाहरण दिया करता था, आज भी मन उठ रहा है मन में उदाहरण, तो आपको बता देता हूँ। जो श्रेष्ठी लोग होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं ना, तो भीतर 1,000-2,000 टन माल रखा हुआ है गोदाम में, क्या गेहूं, या अंदर 1,000 टन चीनी रखी हुई है, तो और वो जंगल में है वो गोदाम, ठीक है, ऐसे ही सुनसान जगह पर, तो क्या करेगा समझदार व्यापारी? वो वहाँ चूहे बहुत हैं यदि गेहूं का गोदाम है, तो वो क्या करता है, थोड़े से गेहूं के दाने गोदाम के बाहर डाल देता है, तो चूहे आते हैं उनको खा करके लौट जाते हैं, वो खजाने तक नहीं पहुंच पाते। उनको लगता है बस मिल गया, मस्त हो जाओ, काफी मस्टंडे पड़े हुए खा रहे हैं, मोटे मोटे चूहे हो गए, उनके परिवार बच्चे भी हो गए, वो भी उसी में मस्त है, और वो हजारों टन जो है अपना गोदाम सुरक्षित है। ऐसे ही हजारों टन चीनी है, तो चीटियां जो है चीनी के पास तुरंत पहुंच जाती, तो बाहर जो है ऐसी एक लेयर सी बना दी है, इतनी मोटी सी, उस चीटियां आती है वो चीनी चुन करके चली जाती है, उन कहते हैं हमें तो मजा आ गया। तो भगवान ने अपना भंडार के आगे थोड़ा सा नादान चूहे और चीटियों के लिए बाहर एक लेयर लगा रखी है सुख की, उसको भोग करके हमको लगता है आ, आ, मुझे स्त्री मिल गई, मुझे पुरुष मिल गया, मुझे ये शाक सब्जी मिल गई, मुझे तो मेवे मिल गए, बादाम, अरे काजू, अरे रसगुल्ला,
अरे चीटी के बच्चे, ये तो बाहर की लेयर है, इसके भीतर भंडार है। तो भगवान ने जगत फंसाने के लिए नहीं, अपनी ओर बुलाने के लिए, खींचने के लिए बनाया है। किसके मूल में जा, जिसने ये स्त्री को रचा, जिसने पुरुष को रचा, हम कोई जगत के विरोधी नहीं है, हम जगत के आलोचक नहीं है, निंदक नहीं है, हम पलायनवादी लोग नहीं है। एक तो है पलायन करने वाले लोग, बोले ये अरे ये झंझट बहुत बड़ा है, लोग डर करके सन्यासी बन जाते हैं। जो डरपोक है वो सन्यासी बनेंगे तो कभी भी सच्चे और पक्के सन्यासी नहीं बन सकते, डर करके नहीं बनना। कुछ जड़वादी हैं, वही मूड है पड़े हुए, कुछ भागे हुए हैं, न भोगो न भागो, जागो जानो। तो हमने ये जो सत्य अनुभव किया आपकी जानकारी के लिए, तो मैंने सोचा कि ये सब को समझ में आ जाए और कहीं भ्रम ना हो जीवन में, तो उस सत्य को जिसको मैं अनुभव किया। और देखो मैंने कहा जीवन एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये पिंड और ब्रह्मांड बहुत बड़ा रहस्य है, तो उसको 7 सूत्रों में हमने बांधने की कोशिश की। मैंने कहा वक्त के साथ भाषाएं बदल जाती हैं, वेद की भाषा सबको समझ में नहीं आती, उपनिषदों की भी बात समझाते हैं तो थोड़ी समझ में तो आ जाती है, लेकिन बोले बाबा हम जिस भाषा में समझते हैं उसमें समझाओ। तो जो मैंने अनुभव किया वो आपके सामने 7 वाक्यों में कह रहा हूं, और फिर इसका व्याख्या इसकी 7 दिनों तक चलती रहेगी। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म एवं ब्रह्मांड से है, शरीर की एक कोशिका से लेकर के जो संपूर्ण अस्तित्व है ना, ये ब्रह्म और ब्रह्मांड के सहयोग से निर्मित हुआ है। बहुत कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए ब्रह्म और ब्रह्मांड के प्रति। जिस चमड़ी से प्यार करते हैं, चमड़ी किससे बनी है, इस ब्रह्मांड से, और ये ब्रह्मांड किससे है, ब्रह्म से। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ब्रह्म एवं ब्रह्मांड से है और उसी के लिए है, जब उससे बना है तो उसी के लिए है, मेरा इसमें क्या है, सब कुछ ब्रह्म और ब्रह्मांड से बना है और उसी के लिए। ये जो संपूर्ण संस्था संगठन, ये शरीर, ये सब कुछ के बारे में मैं कह रहा हूं। इसलिए भागवत सत्ता व संपूर्ण अस्तित्व के प्रति सदा कृतज्ञता का भाव, भागवत सत्ता और इस संपूर्ण अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, 24 घंटा रखूंगा ऐसा भाव है। इसमें इन 7 वाक्यों में पूरे जीवन का सारी, इसे मैंने इसको कहा जीवन विद्या, ये जीवन दर्शन, जीवन संजीवनी, इसमें परापरा विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्मांड की विद्या, सब कुछ आ गया। एक दिन एक जिंदगी के बराबर, जीवन को कैसे जियो फिर डिफरेंट तरह से, मैंने कहा एक ही सत्य है उसको कहने के लिए इसमें फिर व्यापकता आ जाती, चीजें पूरी समझ में आ जाती है। तो कृतज्ञता का भाव रखना इसके पीछे बहुत बड़ा कर्तव्य इंगित होता है, वो अगला वाक्य। एक दिन एक जिंदगी के बराबर, जिंदगी को कैसे जीना, एक दिन एक जिंदगी के बराबर है, एक क्षण एक दिन के बराबर है। अतः मैं एक दिन को एक जिंदगी की तरह पूरे उत्साह से जीऊंगा और एक क्षण भी जीवन के अंदर नैराश्य और अकर्मण्यता नहीं आने दूंगा। सब मनुष्यों को भगवान ने प्रथम होने की शक्ति दी। अब ये जीवन के बारे में, क्योंकि जीवन नहीं समझ में आता ना, अपनी शक्ति अपनी प्रतिभा अपना सब कुछ नहीं समझ में आता, ऊर्जा जो भगवान ने हमको दी। एक तरफ ब्रह्मांड, एक तरफ ये पिंड, बराबर ही। सब मनुष्यों को भगवान ने प्रथम होने की शक्ति सामर्थ्य दिया है। मैं अपने जीवन में अपने क्षेत्र का प्रथम व्यक्ति, एक आदर्श, एक आइकॉन बनने हेतु प्रतिपल संघर्ष करूंगा। बड़ी सोच, कड़ी मेहनत और पक्का इरादे के साथ चरैवेति चरैवेति के सिद्धांत पर चलकर भगवान के अनुग्रह, माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद, निरंतर कठोर पुरुषार्थ, सही निर्णय और सबको सम्मान देता हुआ
मैं जीवन में आगे बढ़ूंगा और एक दिन सफलता की उच्चतम शिखर तक अवश्य पहुंचूंगा। इसमें मैंने बहुत कुछ कहा है, बाद में व्याख्या करेंगे। 24 घंटा चौथा जीवन का मंत्र सूत्र, 24 घंटा अपना ध्येय, अपना जो अल्टीमेट गोल है, टारगेट है जीवन का, वो आंखों के सामने रखूंगा। एक क्षण के लिए भी स्वयं को निम्न चेतना में नहीं जाने दूंगा। जैसे लोअर कॉन्शियस में आते हैं ना, फिर हम फिर उलझ जाते। एक क्षण के लिए भी स्वयं को निम्न चेतना में नहीं जाने दूंगा। सदा उच्च चेतना, दिव्य चेतना, सहज योग, सहज समाधि, जीवन मुक्ति, विदेह भाव, इस अवस्था में जीऊंगा रहूंगा और प्रतिपल शिवोहम शिवोहम। वेद के यजुर्वेद के अंतिम मंत्र में भी हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं योऽसौ आदित्य पुरुषः सोऽसावहम् ओम खं ब्रह्म, ये एक ही तात्पर्य है। पांचवा जो वाक्य जो मैं अनुभव करता हूं जीवन के बारे में और जो लोगों के जो प्रश्न है उनका सबका समाधान है इसमें, मैं आत्मा परमात्मा व राष्ट्र की शक्ति को, राष्ट्र मैंने इसलिए बोला इतने तक समझ पाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को और समझना बड़ा रहस्यपूर्ण हो जाता है। मैं आत्मा परमात्मा व राष्ट्र की शक्ति को पूर्ण विवेक व प्रामाणिकता के साथ समझकर उसका 100% सही उपयोग करूंगा। आत्मा परमात्मा और राष्ट्र, इनकी तीनों की समझ हो जाए हमको। मैं सब स्वरूपों में ब्रह्म रूप का दर्शन, सब संबंधों में ब्रह्म संबंध की अनुभूति करता हुआ, जीवन के अंतिम सत्य शाश्वत सुख को हर पल अनुभव करता हुआ, गुरु भगवान व राष्ट्र को केंद्र में रख करके जीऊंगा। इसमें बहुत बड़ा सत्य है, फिर इसकी व्याख्या बाद में करेंगे। प्रणव के जप व प्राणायाम के तप, जप और तप का बहुत महत्व है हमारे शास्त्रों में, उनसे शक्तियां और सिद्धियां मिलती है। प्रणव के जप व प्राणायाम के तप से सब जप तप शक्तियों व सिद्धियों को प्राप्त कर अपने शरीर इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त कर पिंड और ब्रह्मांडगत समष्टि शक्तियों के साथ तादात्म्य अनुभव करें। ये पिंड और ब्रह्मांड के साथ तादात्म्य हो जाए ना, तो फिर एक जीवन बहुत विराट होता चला जाता है। ज्ञान कर्म व भक्ति की पराकाष्ठा में जीता हुआ मैं परा व अपरा विद्याओं को प्राप्त करूंगा तथा जीवन व जगत में भगवान का साम्राज्य स्थापित करूंगा। और अंत में कि हम ये जो सब कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ मान लीजिए पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के माध्यम से जो अनुष्ठान आंदोलन अभियान चला रहे, इसका भी मकसद क्या है? चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण, राष्ट्र निर्माण, युग निर्माण, भारत उदय से विश्व उदय, वसुधैव कुटुंबकम्। इन तथ्यों को सत्यों को हम हर पल अनुभव करें जीवन में, तो इस बार रामनवमी पर वेदों से, दर्शनों से, उपनिषदों से, ये जो जीवन विद्या है, ये परा अपरा जो विद्याएं हैं, ये जो ब्रह्म विद्या है, ये ब्रह्मांड की विद्या है, ये जीवन समझ में नहीं आता, यहाँ जो उलझन है इनको सुलझाने का जो समझा है उसको आप तक संप्रेषित करने का हम प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि करोड़ों भाई बहन जो आस्था के माध्यम से भी अपने घरों में बैठ कर के इस योग ज्ञान के साथ साथ ये जो पूरी योग विद्या है, ये जो जीवन विद्या है, वेदों की विद्या है, मैंने कहा ना ये वेद को हम अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, वेद को हम अपना ज्ञान ग्रंथ मानते हैं, धर्म ग्रंथ के नाम पर लोगों में और भ्रम हो जाता है। उदाहरण के रूप में इसको समझाने के लिए ना ऐसा कहते हैं हमारे बड़े कि जैसे कोई कंपनी कोई कंप्यूटर बनाती है, कोई गाड़ी बनाती है, कोई मोबाइल बनाती है, तो उसके साथ में क्या देती है? एक इंफॉर्मेशन बुकलेट देती है, उसको क्या बोलते हैं? मैनुअल, मैनुअल बोलते हैं। उसको क्या, उसका मतलब क्या होता है?
उसका डिटेल होता है कि इसका यूटिलाइज कैसे करना। तो भगवान ने ये ब्रह्मांड तो बना दिया, फिर इसके यूटिलाइज कैसे करना, तो इसका मैनुअल दिया है वेदों के माध्यम से कि इस ब्रह्मांड में कैसे जीना है। तो मुझे लगता है इस बार की यह जो रामनवमी है, और इस रामनवमी पर जो पतंजलि योगपीठ से जो वेदों का संदेश जाएगा, उपनिषदों का संदेश जाएगा, ये जीवन विद्या, ये परा परा विद्या, ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्मांड की विद्या, ये पूरा जीवन के जो गहरे प्रश्न हैं उनका समाधान सब तक पहुँचेगा। निर्भ्रांत होंगे सब, निर्भ्रांत होकर के जीवन और जगत में जो भगवत्ता लाने का, पिंड और ब्रह्मांड में भगवान का साम्राज्य स्थापित करने का जो संकल्प है वो हमारा अवश्य पूर्ण होगा। पतंजलि